अवतार बेसिकली कंपनी का मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है। अच्छा खासा यहाँ पे हवा का सर्कुलेशन हो, इंजन ठंडा रहे, डबल हैंडी डबल डिफरेंशियल वाला चेसी है, तो इसमें भी ड्राइव है और इसमें भी ड्राइव है। ये भारत का पहला 12 क्यूबिक मीटर वाला ट्रांजिट मिक्सर है, वो भी फुली बिल्ट अप सॉल्यूशन। मेन इंजन से पावर नहीं ली गई है, यहाँ पे एक अलग से ऑक्सिलरी इंजन लगाया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका trucksbuses.com पे। आज आपको दिखाते हैं अशोक लेलैंड 4825, वो भी एक फुली बिल्ट ट्रांजिट मिक्सर। तो यहाँ पे कंपनी ने एक 16 चक्का ट्रक और उसी के साथ में स्विंग स्टेटर का ट्रांजिट मिक्सर लगाया है और एक फुली बिल्ट सॉल्यूशन के तौर पे कंपनी इसको सेल करती है। तो 4825 47.5 टन का ग्रॉस वेट देता है और 16 टायर ट्रक है ये, बीच में ट्विन टायर लिफ्ट एक्सेल है 12.5 टन का और कंपनी बिल्ट अप केबिन के साथ में है। तो बेहद खूबसूरत नया केबिन जो BS6 में कंपनी ने नया मॉडल निकाला है वो केबिन आपको मिल जाता है। सस्पेंडेड केबिन है ये, बंपर के अंदर ही आपको लाइट्स मिल जाती हैं, गोल लाइट्स, इजी टू मेंटेन, इजी टू रिपेयर, मार्केट में हर जगह पे मिल जाती है। ये नई ब्रांडिंग और ये बड़ा लोगो कंपनी का। अच्छा खासा यहाँ पे हवा का सर्कुलेशन हो, इंजन ठंडा रहे, इस तरीके की सारी चीज़ें कंपनी ने इस BS6 मॉडल के अंदर दिया है। साइड से अगर आपको दिखाते हैं तो अवतार की ब्रांडिंग मिलेगी। अवतार बेसिकली कंपनी का मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है, जो चैसी है, चैसी मोटा मोटा कंपनी ने सारी गाड़ियों के लिए सेम रखने की कोशिश की है। उसमें जगह जगह पे नट्स दिए होते हैं ताकि कुछ भी आपको फिटमेंट्स वगैरह करने पड़े तो वेल्डिंग ना करनी पड़े, काटना ना पड़े चैसी को, उन्हीं होल्स के अंदर आप अपने फिटमेंट्स फिक्सर्स वगैरह कर सकते हो। इससे स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी भी मार्केट में आसान होती है, इससे आपकी सर्विस भी आसान होती है, इससे आपको जो स्पेयर पार्ट से रिलेटेड सर्विस से रिलेटेड कंसर्न था वो भी खत्म हो जाता है अवतार प्लेटफॉर्म के साथ में। उस और अगर आपको दिखाएंगे तो 4825 की ब्रांडिंग वहाँ पे की है, 48 टन 250 हॉर्स पावर। पीछे की अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे व्हील आर्चेस फाइबर मटेरियल में, यहीं पे कंपनी ने इंडिकेटर भी दे दिया है और इसमें वर्टिकल डोर नॉब दिया है, ऐसे इस तरीके से ये खुलता है। दो फुटस्टेप्स हैं और सामने वाले जो दोनों एक्सेल्स हैं ये ट्विन स्टेरेबल एक्सेल्स हैं। जब ड्राइवर स्टेयरिंग काटता है तो इस एक्सेल का और पिछले एक्सेल का दोनों टायर्स एक साथ में एक ही दिशा में कटते हैं। पीछे ये 10x2 गाड़ी है, 10x4 ऑप्शन में भी टिपर ऑप्शन आ जाता है और बीच वाला जो एक्सेल है वो डेड एक्सेल है, लिफ्ट एक्सेल है। तो आइए आपको पीछे से दिखाते हैं क्या स्पेशल है इस गाड़ी के बारे में। तो अभी तक आपने जो ट्रांजिट मिक्सर्स देखे होंगे वो आपको 12 क्यूबिक मीटर के नहीं मिलते हैं। ये भारत का पहला 12 क्यूबिक मीटर वाला ट्रांजिट मिक्सर है, वो भी फुली बिल्ट अप सॉल्यूशन। तो स्विंग स्टेटर का इसके अंदर कंपनी ने RMC लगाया है। स्विंग स्टेटर बेसिकली एक जर्मन कंपनी है, एक स्विंग कंपनी थी, एक स्टेटर कंपनी थी, दोनों का मर्जिंग हुआ और उसके बाद में आज स्विंग स्टेटर के प्रोडक्ट्स खासकर ट्रांजिट मिक्सर्स के तौर पे मार्केट लीडर्स हैं। मोटा मोटा 90-95% मार्केट स्विंग स्टेटर के पास है व्हेन इट कम्स टू ट्रांजिट मिक्सर। तो 12 क्यूबिक मीटर ये जो गोल ड्रम है, हांडी है, इसका कैपेसिटी है। ये ऊपर आपको एक 650 और 800 लीटर का वाटर टैंक मिल जाता है। तो बेसिकली जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं उस तरीके की जगहों पे ये काम आता है। क्या होता है, बैचिंग प्लांट के अंदर सीमेंट, रोड़ी और पानी मिक्स होता है जिससे कि RMC बनता है, रेडी मिक्स कॉन्क्रीट बनता है। वो पीछे की तरफ जो हॉपर है, हॉपर के अंदर से इस ड्रम के अंदर आ जाता है और ये गाड़ी बैचिंग प्लांट से जो जहाँ पे बिल्डिंग बन रही होती है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, वहाँ तक ये गाड़ी RMC को मूव करती है। तो उसलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिट मिक्सर। अब RMC की भी एक खासियत होती है कि जैसे आप उसको छोड़ देंगे तो सेटल होने लग जाएगा, सॉलिड होने लग जाएगा, टाइट होने लग जाएगा। तो उस चीज़ के लिए ये जो हांडी है, ये जो ड्रम है, ये चलती गाड़ी के साथ में घूमता हुआ जाता है ताकि ये RMC को सेटल ना होने दे। उस लगभग 12 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से ये घूमता है, 12 RPM पर मिनट की स्पीड से। और इसके लिए मेन इंजन से पावर नहीं ली गई है, यहाँ पे एक अलग से ऑक्सिलरी इंजन लगाया गया है, डोंकी इंजन जिसे बोल देते हैं, स्लेव इंजन बोल देते हैं। अच्छी खासी पावर है इसकी, 89 किलोवाट का ये इंजन है, स्लेव इंजन। अलग से इसमें डीजल कंजम्पशन होती है और यह अलग से चलता रहता है जब जब गाड़ी चलती है। इसका फायदा ये है कि मेन इंजन जो गाड़ी का इंजन है उसके ऊपर लोड नहीं आता है, एक्स्ट्रा लोड, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आता है। ये इसका मीटर है कितने घंटे ये ऑपरेशन में रहा, अभी ये फिलहाल 70 घंटे का मीटर रीडिंग दिखा रहा है, टोटल 70 घंटे ये यूनिट चली होगी। ये है पॉलीमर फ्यूल टैंक, तो कंपनी ने बड़ा पॉलीमर फ्यूल टैंक दिया है। यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रोल्स, दिस मस्ट बी अटैच्ड टू द टेलीमैटिक्स यूनिट, इसमें फैक्ट्री फिटेड आपको टेलीमैटिक्स मिल जाता है। ये है वो ट्विन टायर लिफ्ट एक्सेल, तो इसमें अंदर की तरफ एयर बेलोज लगे हैं, बहुत ही भारी एयर बेलोज लगे हैं जिसकी मदद से ये ट्विन टायर पुशर लिफ्ट एक्सेल या तो अप हो जाता है या डाउन हो जाता है। जब गाड़ी के अंदर लोड कम होता है तो ऑटोमेटिकली अप हो जाता है और जब गाड़ी के अंदर लोड पूरा होता है तो डाउन हो जाता है।
पीछे की ओर इसमें सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग है, सादे पट्टे कमानी है, बेल क्रैंक मैकेनिज्म के द्वारा ये लिंक्ड है। आजकल हर कंपनी एलईडी टेल लैंप्स देने लग गई है। उस ओर डीजल टैंक था और इस ओर यूरिया टैंक है, एडब्लू टैंक जिसे कहते हैं। ये स्पेयर व्हील ये टेढ़ा लगाया गया है ताकि जो कमानी है उससे ये टच ना हो। यहाँ पे जो स्लेव इंजन लगा था यहाँ पे इसकी ड्राइव्स हैं जिसके कारण इसको पूरा पूरा चलता हुआ ये नजर आता है। बेल क्रैंक मैकेनिज्म है इसके अंदर और ये जो यहाँ पे डिस्प्ले किया है ये टिपर चैसी है, 10x4 डबल हैंडी डबल डिफरेंशियल वाला चैसी है। तो इसमें भी ड्राइव है और इसमें भी ड्राइव है। और अगर जब रियर इस ट्रांजिट मिक्सर यूनिट के बारे में बताएं तो सबसे ऊपर आपको जो हॉपर दिख रहा है वहाँ पे बैच प्लांट से आरएमसी इसके अंदर डल जाता है। मिक्स हुआ कंक्रीट, सीमेंट और पानी ऑलरेडी बना हुआ वो इसके अंदर चला जाता है। यहाँ पे रोटेट होता रहता है इस ड्रम के अंदर, गाड़ी अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाती है और डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद में ये जो शूट है इसके थ्रू यहाँ पे जो भी आइटम हो, ट्रॉली हो या बूम पंप हो, वहाँ पे ड्रॉप हो जाती है। वहाँ से आगे जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाना होता है वहाँ पे माल चला जाता है। इस तरीके से देश में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बड़ी तेजी से चल रही है और जो सारी इतनी सारी कंपनीज हैं ये सारी कंपनीज ट्राई कर रही हैं कि हाउ डू दे ब्रिंग दी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी टू द नेक्स्ट लेवल एट अ फास्ट पेस। जो पीछे की आरएमसी यूनिट है इसकी कॉस्टिंग लगभग 10-12 लाख रुपए होती है, डिपेंडिंग ऑन कितने क्यूबिक मीटर का है ये, क्या इसकी टनेज है। जैसे इस ट्रक के 47.5 टन का इसका ग्रॉस व्हीकल वेट है, इसके ऊपर ये इन्होंने 29 टन की आरएमसी यूनिट लगा रखी है। तो इसी तरीके से जब कम टनेज हो जाता है, 10 चक्का टिपर है, 12 चक्का टिपर है, वहाँ पे प्राइसिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। तो मोटा मोटा 10-12 लाख 13 लाख रुपए तक का इसका यूनिट होता है। आजकल ये कंपनीज डायरेक्टली कस्टमर को तो सेल करती ही है लेकिन आजकल फुली बिल्ड सोल्यूशन के तौर पे भी स्विंग स्टेटर कस्टमर को डायरेक्टली OEM रूट के थ्रू मैन्युफैक्चरर्स के जो शोरूम्स होते हैं ट्रक मैन्युफैक्चरर्स के उन्हीं के थ्रू बेचना पसंद करती है। तो कंपनी अपने लेवल से टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, आयशर इनको बल्क में दे देती है, प्लांट में फिट हो जाते हैं ट्रक चैसी के ऊपर, टिपर चैसी के ऊपर और डायरेक्टली आपके नज़दीकी शोरूम में पहुंच जाते हैं जहां से आप एक फुली बिल्ड ट्रांजिट मिक्सर ले सकते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतने दोस्तों, बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी और नए कमर्शियल व्हीकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।